Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में दिल्ली के शाहीन बाग में हुए आंदोलन के चेहरा बिल्किस दादी को टाइम्स मैगजीन ने दुनिया की 100 सबसे प्रभावशाली हस्तियों में शुमार किया है। शाहीन बाग की बिल्किस दादी ने इस पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी उनके बेटे हैं और अगर वह बुलाते हैं तो मुझे उनसे मिलकर खुशी होगी। बिल्किस दादी नागरिकता कानून के विरोध में हुए प्रदर्शन का चेहरा रही हैं। संसद की ओर से पिछले साल नागरिकता कानून को हरी झंडी मिलने के बाद देश के विभिन्न हिस्सों में प्रदर्शन हुए। दिल्ली के शाहीन बाग में हुए प्रदर्शन ने वैश्विक स्तर पर लोगों का ध्यान आकर्षित किया। इस प्रदर्शन में अधिकतर महिलाएं शामिल थे। प्रदर्शनकारियों के संघर्ष को याद करते हुए बिल्किस और शाहीन बाग की दादी ने न्यूज एजेंसी से कहा कि पारा गिरने के या तापमान बढ़ने या बारिश के बावजूद भी हमने अपना प्रदर्शन जारी रखा। हम उस वक्त भी डटे रहे जब जामिया में हमारे बच्चों की पिटाई की गई, हमारे सामने गोलियां चलाई गई, लेकिन हम पीछे नहीं हटे। ये पूछे जाने पर कि क्या अगर उन्हें आमंत्रित किया गया जाए तो प्रधानमंत्री से मिलने जाएंगी, इस पर उन्होंने कहा, क्यों नहीं, मैं जाऊंगी, इसमें डरने की क्या बात है। उन्होंने कहा कि मोदी जी मेरे बेटे की तरह हैं, मैं उनकी माँ की तरह हूँ। भले ही मैंने उन्हें जन्म नहीं दिया, मेरी बहन ने तो दिया, वो मेरे बच्चे की तरह हैं। मैं टाइम की सूची में पीएम मोदी के शामिल होने पर उन्हें बधाई देती हूँ। कोरोना वायरस को लेकर बिल्किस दादी ने कहा कि हमारी पहली लड़ाई कोरोना वायरस के खिलाफ है। इस बीमारी को पूरी दुनिया से ख़त्म किया जाना चाहिए।